हेलो गाइस, बात करने वाले हैं इस वीडियो में विवियन डिशैना के बारे में। विवियन डिशैना के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, फैंस एक्साइटेड हैं। लगातार वो बैक टू बैक जिस तरीके से टीवी पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको लेकर जो नई खबरें सामने आ रही हैं कि अगेन वो डेली शो में ही नज़र आ सकते हैं। उड़ारिया शो में तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में उम्मीद करी जा रही है कि बहुत जल्द आपको एक बार फिर से विवियन डिशैना देखने को मिल सकते हैं अपने पॉपुलर कैरेक्टर में भी। जी हाँ, पूरे चांसेस हैं कि वो अपने पॉपुलर कैरेक्टर में नजर आ पाए। मधुबाला शो के सीजन 2 को लेकर तो वैसे भी लगातार डिमांड चली रही है। आपको बता दें, अभी कुछ टाइम पहले प्यार की ये एक कहानी जो कि आपको देखने को मिली थी शुक्ति खंडपाल उनके अपोजिट पिया के कैरेक्टर में, तो यहाँ पर उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। तो इस शो के सीजन 2 को लेकर भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी, पर फिर प्रोजेक्ट डिले हुआ है जहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिल पाया है शो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शक्ति अस्तित्व के एहसास की जहाँ पर हरमन के कैरेक्टर में देखने को मिले थे रूबीना के अपोजिट, तो उनको हर एक एक्ट्रेस के साथ में लगभग देखा जा चुका है टीवी में और सभी के साथ उनकी जोड़ी पसंद करी गई है। लेकिन ये जो कुछ चुनिंदा एक्ट्रेस रही हैं जिनके साथ उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई है, जैसे कि रूबीना दिलैक हैं, दृष्टि धामी हैं जो कि मधुबाला शो में देखने को मिली थी, शुक्ति खंडपाल के अपोजिट भी उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद करी गई थी। तो अब ऐसे में देखना यह है कि किस प्रोजेक्ट में वो देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि फैंस की लगातार डिमांड तो चल रही है, लोग अपने अपने पॉपुलर शो की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी न्यू प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाए, पर जिस तरह से वो बैक टू बैक काम कर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद यही है कि बहुत जल्द आपको विवियन डिशैना एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें, वेब सीरीज़ के थ्रू अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ साइन नहीं किया है कि वो OTT के थ्रू देखने को मिलें, क्योंकि वेब सीरीज़ पर शायद वो इतना ध्यान नहीं देना चाहते हैं। टीवी पर ही उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और लगातार टीवी पर ही नंबर वन पर रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो टीवी पर ही काम कर रहे हैं। हालांकि अब ये जो पॉपुलर जोड़ी उनकी रही है वो ज़रूर नज़र आनी बनती हैं। अब देखते हैं किस तरह से नज़र आएंगी। आप भी कमेंट करके एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।